नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 3 के एडमिट कार्ड पे जो क्यूआर कोड दिया गया है, उसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कि क्यूआर कोड में गलत जानकारी दी गई थी, यानी दूसरे अभ्यर्थियों का उसमें डाटा दे दिया गया था, इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था। लेकिन परसों सचिव से हमारी बात हुई फ़ोन पे, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को सुधार कर दिया है। और हमारे पास जिस तरह से फ़ोन आया उस दिन भी और अभी भी आ रहा है फ़ोन मैसेज, तो सभी लोग का कहना है कि अब सुधार कर दिया गया है। तो अभी भी जो लोग पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होइएगा, एक दो लोग जैसे अभी भी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि उनका सुधार नहीं हुआ, तो मैं बता दूं कि अब आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड फिर से कीजिए। पहले आप जो डाउनलोड किए उसको छोड़ दीजिए, अभी आप फिर से डाउनलोड किए। जिनका भी अगर गलत दिया गया था क्यूआर कोड में जानकारी, जिनका क्यूआर कोड में गलत जानकारी था, तो अभी आप फिर से उसको डाउनलोड कीजिए। पहले आप डाउनलोड किए उसको छोड़ दीजिए, अभी फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और उस पर जो क्यूआर कोड हो उसको स्कैन करके देखिए, आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही हो गया है, जैसा कि कल बीएसएससी ने नोटिस भी जारी कर दिया। चलिए, इसके लिए हम बीएसएससी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम लोग फोन से ही बात की और बीएसएससी ने इस पर संज्ञान लिया और कल नोटिस भी जारी हो गया। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी या कोई बड़ा धांधली सेटिंग का ये षड्यंत्र था। ये सवाल तो उठता है जिस तरह से बीएसएससी, बीपीएससी, दरोगा बहाली के बीपीएसएससी, इस सब का रवैया है उसको देख के। अब क्या है एग्जैक्ट कारण ये तो मैं नहीं जानता, ये धांधली सेटिंग का कोई तरीका था कि क्या था ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा बोलना उचित नहीं है। लेकिन चलिए, बीएसएससी ने इसमें सुधार कर दिया, गड़बड़ी थी जिसको कि बीएसएससी ने सुधार कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं बीएसएससी को। और दूसरी बात कि हमने एक और शिकायतें छात्रों की आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो भी डाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उनका एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें फ़ोन किया है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर शायद गलत बता रहा है, तो इस संबंध में भी बीएसएससी को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए कि लोगों की समस्या दूर हो। और जो लोग भी इस तरह की समस्या जिनकी है, वो बीएसएससी ऑफिस जाकर आप लोग एक बार जरूर सचिव से मिलिए, क्योंकि ऐसी समस्या कुछ 10-12 लोगों की ही अभी तक मेरे सामने आई है। तो आप लोग बीएसएससी ऑफिस जाकर सचिव से मिलकर इन सब चीज़ों को रखिए। और वीडियो के माध्यम से भी हम सचिव महोदय से, अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप इस पे संज्ञान लीजिए ताकि इन स्टूडेंट्स की जो है समस्या दूर हो जाए। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि पेन, इस बार एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि पेन आपको सेंटर पे ही मिलेगा, जिस तरह ओएमआरसीट मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, उसी तरह आपको पेन भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये असर हुआ है जो बीपीएससी आंदोलन के दरमियान हमने उस पेन का जिक्र किया था, जिस पेन को लेकर लोग रंगते हैं, सेटिंग कराते हैं, जो एक मैजिक पेन था, पायलट फ्रिक्शन करके पेन था, जिसका जिक्र मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, बीपीएससी आंदोलन के दरमियान सभी न्यूज चैनलों के सामने किया था। तो कहीं ना कहीं उसका असर है कि बीएसएससी ने इस चीज़ से सबक लिया है और सेंटर पे अपने स्तर से पेन देने की बात कही है कि आपको पेन ले जाकर, पेन नहीं ले जाना है, सेंटर पे ही पेन देगा। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग अगल बगल एक बार नज़र जरूर दौड़ा लीजिएगा, अपने आगे पीछे अगल बगल, कि जो पेन आपको मिला है वही पेन अगल बगल वाले लोगों को तो मिला है ना, ऐसा नहीं कि सेटिंग कराने वाले को कोई अलग पेन दे दिया गया हो। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सचिवालय सहायक में सीट बेची जाती है, बोली लगाई जाती है, तो आप लोग को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नकारात्मक सोच के साथ एग्जाम दीजिए, नहीं, आप लोग पूरे सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए और अपने मेरिट पे भरोसा करके, अपनी ईमानदारी पे भरोसा करके परीक्षा दीजिए और ये सोच के परीक्षा दीजिए कि आपको सफल होना है। लेकिन साथ ही कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए, पुलिस को जानकारी दीजिए। और सेंटर पे आप अपने अगल बगल आगे पीछे जरूर देख लीजिएगा कि जो पेन आपको दिया गया है वही पेन और लोगों को दिया गया है या नहीं, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को अलग से पेन मुहैया कराया गया हो सेटिंग के लिए, धांधली के लिए। तो ये चीज आप लोग नजर रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि हम लोग लगातार पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, ओएमआरसीट का कार्बन कॉपी दीजिए, आंसर की दीजिए। लेकिन बीएसएससी ने नोटिस जारी किया, एडमिट कार्ड पे जो दिया उसमें दिया है कि क्वेश्चन बुकलेट आपको जमा करना है। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं, ये किस तरह का परीक्षा, ये थोपा हुआ रिजल्ट आप दीजिएगा क्या? आखिर आपको क्वेश्चन बुकलेट देने में क्या आपत्ति है? आप पैसा लेते हैं फॉर्म भरने का, फ्री में फॉर्म नहीं भराया जाता, पैसा लगता है। यूपीएससी क्वेश्चन देती है, बीपीएससी क्वेश्चन देती है, बिहार में ही बीएड की परीक्षा होता है तो ओएमआरसीट का कार्बन कॉपी दिया जाता है, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, यूपी झारखंड में क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, इसके अलावा आपको ओएमआर का कार्बन कॉपी दिया जाता है। फिर बिहार में ये सचिवालय सहायक की परीक्षा में क्वेश्चन बुकलेट देने में क्या आपत्ति है? क्या इससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा है? क्या बिहार की सुरक्षा को खतरा है? किसी को कोई खतरा नहीं है। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत है? अगर आप पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब है
इसका मतलब है कि धांधली सेटिंग हो रही है। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी बात कही जा रही है, जिसका कि हम स्वागत करते हैं, हमने इन सब चीजों की मांग किया था, लेकिन अभी तक ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट देने की बात भी बीएसएससी स्वीकार नहीं कर रहे, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक ओएमआर सीट आपको नहीं मिलता है, कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिलता है, आंसर की जारी नहीं होता है, कटअप के साथ सभी का मार्क्स नहीं बताया जाएगा, तब तक परीक्षा सही से नहीं होगी। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी समय है, आप जो है परीक्षा के दिन कम से कम क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए। ओएमआर सीट की चलिए कार्बन कॉपी आप इतनी जल्द आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन आप जारी कर दीजिए। परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद ओएमआर सीट को आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए और क्वेश्चन बुकलेट आप परीक्षा समाप्ति के बाद दे दीजिए स्टूडेंट्स को। आप क्वेश्चन रखिए, क्या कीजिएगा? और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, पारदर्शिता नहीं लाई जाती है, तब तक ये माना जाएगा कि बीएसएससी में बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग हो रही है, सचिवालय सहायक में सीटों की बिक्री हो रही है। और अगर बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय आप ईमानदार हैं, सही से एग्जाम करा रहे हैं, तो आप पारदर्शिता लाइए, ओएमआर सीट आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद, क्वेश्चन बुकलेट आप परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दे दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, और जब रिजल्ट आता है तो कटअप सभी का मार्क्स जारी कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि सचिवालय सहायक की सीटों की बोली लग रही है, बिक्री हो रही है, धांधली सेटिंग चरम पे हो रही है। और साथ में हम नीतीश कुमार जी से भी आग्रह कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग कैसा बिहार बनाना चाह रहे हैं, जहां ना आंसर बताया जा रहा है ना क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं इस पे पहल कर रहे हैं, क्यों नहीं सरकार इस पे पहल कर रही है, क्यों नहीं समान प्रशासन विभाग दिशा निर्देश दे रहा है, नोटिस जारी कर रहा है कि सभी भर्ती आयोग ये सब चीज करे, पारदर्शिता लाए, तो आप लोग क्यों चुप है? और जितने भी आप लोग अभ्यर्थी है, आप लोग पूरी सकारात्मक सोच के साथ अभी एग्जाम दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगल बगल कोई ओएमआर सीट खाली छोड़ के ना आए और कोई दूसरा पेन से न रंगे, किसी को दूसरा पेन न दिया जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। और पूरी सकारात्मक सोच के साथ आप एग्जाम दीजिए और परीक्षा के बाद हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो बीएसएससी सीजीएल थ्री परीक्षा के तुरंत बाद हम लोग आंदोलन कर सकते हैं पारदर्शिता लाने के लिए। तो फिलहाल आप लोग अभी पूरी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।